तो मोहब्बत की निशानी पर जहर की जुबान आखिर कब थमेगी, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुनील सिंह यादव जी हैं, MLC हैं समाजवादी पार्टी के। विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रोफेसर सौरभ मालवीय हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ब्रजेश सौरभ अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक हैं BJP के। सबसे पहले प्रोफेसर सौरभ मालवीय जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी ताजमहल को लेकर के ये सरकार बहुत कुछ कह चुकी है, खुद चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी CM योगी कह चुके हैं। अभी एक बुकलेट जारी हुई थी पर्यटन विभाग की ओर से, उसमें ताजमहल का नाम नहीं था, उस पर भी विवाद हो चुका है। हालांकि बाद में रीता बहुगुणा जोशी सामने आई और उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक विरासत है जिसका सम्मान हम करते हैं। अब संगीत सोम सामने आए हैं, आखिर क्या जो आर्थिक विकास का अभाव नज़र आता है चारों तरफ, खास करके उत्तर प्रदेश में, और जो उम्मीद है उस पर जब सरकारें कामयाब नहीं हो पाती हैं, तब ऐसे बयान आते हैं ताकि वोट बैंक की सियासत की जा सके और लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि संगीत सोम कोई वास्तुशास्त्री नहीं, इस मुल्क में इस तरह के बयान को कभी भी बर्दाश्त नहीं और यह बयान उनका निजी बयान है, ऐसा उसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र मोदी का बयान। ठीक है, प्रोफेसर साहब आपकी आवाज़ अभी तक पहुंच नहीं रही है, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले सुनील सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, MLC हैं समाजवादी पार्टी के। सुनील सिंह यादव जी, आपको क्या लगता है आखिर क्यों ऐसा बार बार ताजमहल के साथ कर रही है सरकार? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पुराना इतिहास हटाना चाहती है। पुराना इतिहास इसलिए हटाना चाहती कि क्योंकि उनका इतिहास बहुत खराब है। आज बताइए कौन लोग बात कर रहे हैं कि देश में कौन राष्ट्रभक्त है कौन नहीं है। हम तो ये कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पुराना इतिहास पढ़ना चाहिए और ख़ास तौर से पढ़ना चाहिए देश की आज़ादी का इतिहास। जब आप देश की आज़ादी का इतिहास पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि RSS और RSS से जुड़े लोग या उस विचारधारा के लोग आज़ादी की लड़ाई में किसके साथ थे। देश के साथ तो खड़े नहीं थे, आज कहीं क्रांतिकारियों के साथ खड़े नहीं थे, आज़ादी की लड़ाई में कोई लेना देना नहीं था, तो किसकी मदद कर रहे थे? कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। हम इस पर बहस में नहीं जाना चाहते हैं कि ताजमहल को आप किसका बनाया मान रहे हैं। हाँ, ये सही है, जिसने ताजमहल बनाया उन्होंने लाल किला बनाया। आप ताजमहल के इतिहास में जा रहे हैं तो आपको मानसिंह के भी इतिहास में जाना चाहिए, संगीत सोम को। मुझे लगता है कि संगीत सोम के पूर्वज ही होंगे मानसिंह, तो मानसिंह का इतिहास क्यों नहीं बता रहे हैं आप? ठीक है, विजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। विजेंद्र सिंह जी, आखिर ताजमहल मुख्यमंत्री से लेकर के इस पार्टी के विधायकों के निशाने पर बार बार आ रहा है, आखिर क्यों? रहीमदास जी का एक दोहा है कि रहमन छोटे जनों से होत बड़ो नहीं काम, मिढ़े दायमा जात नहीं सौ चूहों की चाम। जिस प्रकार सौ चूहों की चमड़ी से नगाड़ा नहीं मिढ़ा जा सकता, उसी प्रकार छोटे लोगों के द्वारा कोई बड़ी चीज़ नहीं की जा सकती। ताजमहल विश्व के जो 7 धरोहर हैं उसमें एक आता है, किसने बनाया है, कैसे बनाया है, कब बना है, ये आज वास्तविकता है कि 70 से 75 करोड़ लोग जो भी दुनिया से भारत में आता है वो ताजमहल जाना उसका सबसे बड़ी चाहत होती है। तो मैं नहीं जानता कि जब कुछ हो नहीं पा रहा है उत्तर प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद, तो इस प्रकार के गैर जरूरी मुद्दों को उठा करके जो धार्मिक दायरों में और खास करके हिंदू मुस्लिम एंगल को लेकर के, और ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है विधायक जी, मैं देख रहा था आज तक में एक डिबेट आ रहा था इंटर पास हैं, इनको इतिहास उतिहास की कोई जानकारी भी नहीं है, अगर जानकारी होती तो ताज पर कुछ ना बोलते हो। तो ये बहुत अजीब सा वाकया है। और जब जब भी कोई इस प्रकार की बात विकास की बात पर या किसी समस्या पर प्रदेश जाना चाहता है तब इस प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जाती है। एक स्ट्रेटजी प्लांट है उनका कि कभी भी प्रदेश की जनता और देश की जनता अपने इशू पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनके इशू पर, और जो ये दिवाली आ रही है बाजारें खाली पड़ी हुई हैं GST और नोटबंदी के बाद से कोई बाजार में सामान नहीं खरीद पा रहा है, इन इशू पर कोई डिबेट ना हो। तो जानबूझ कर उन्होंने एक दिन पहले, जब कल से दिवाली का महापर्व शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो इस प्रकार का बयान दिया है कि कोई काम की चीज पर सोच न सके, बात न कर सके। ठीक है,
ब्रजेश सौरभ जी के पास मैं जाऊंगी, बीजेपी विधायक हमारे साथ, माफ कीजिए, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उससे पहले सौरभ जी, आप अपनी बात रख रहे थे और सवाल मेरा ये था आपसे कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में ही निकाय चुनाव होने वाले हैं, क्या उससे पहले के ये साइड इफेक्ट्स हैं जो हम देख रहे हैं? बिल्कुल उसी तरह इसको हम एक विवादों के दायरे में लाके केंद्रित करके चर्चा के दरमियान देखेंगे। वास्तव में इस मुल्क में इस तरह के बयानबाजी निजी माना जाता है, आवाम कभी स्वीकार नहीं करती, और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि को इस तरह का बयान देने का तो ये मतलब ये जिम्मेदारी से उसके कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है वो कटघरे में स्वयं खड़ा होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनका बयान उन निजी बयान है, रीता बोगड़ा जोशी जी का बयान इस पर आता है, नलिन कोहली का बयान आता है, लेकिन क्या सरकार के जो मुख्य मुद्दे हैं, जिस मुद्दे से आगे चलना है, उनको चुनाव में जाना है, जो आपका प्रश्न है, उसके आधार पर इस तरह के बीच में बयान देना, त्यौहार पर बयान देना, मुझे लगता है संगीत जी वास्तुशास्त्री नहीं है, इतिहास को ठीक, इतिहास का पुनर्लेखन होगा, इतिहास अपने युवा पीढ़ी को बताएंगे, महाराणा प्रताप को पढ़ाना ही है, जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। जब हमारा युवा वर्ग इतिहास पढ़ेगा, देश का प्रबुद्ध वर्ग, सामान्य वर्ग, सभी वर्ग के लोग इतिहास को जानेंगे, सच्चे इतिहास को जानेंगे, तो गौरव की बात होगी, महसूस करेंगे। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी नहीं रही है, हमारे यहाँ तो कहा भी गया, यूनान मिश्र रोम सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, आखिर क्या है, हमारे यहाँ जो आया वो यही का होके रह गया, हम तोड़ने की संस्कृति को तो मानते ही नहीं है, तो गद्दारों ने बनवाया, कोई बात नहीं, बनवाया होगा, ये सच है या सच नहीं है, वो पहले क्या था या आज क्या है, ये काफी विवादों का विषय है। लेकिन आम जो मानस है, आम जो मान्यता है, उसको मानते हैं कि वो पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है, उस पर्यटन से सरकार को भी लाभ है, उस पर्यटन से लोगों की आस्था जुड़ी है, मोहब्बत की निशानी के रूप में देखा जाता है, उसकी एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है, कुछ लोग मानने वाले हैं कि वो एक मंदिर था पहले, उसको तोड़ के बनवाया गया, ये तमाम इस पर गहन शोध चल रहा है। लेकिन गहन शोध के बाद भी क्या किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह का बयान देके आवाम के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं, मुख्य मुद्दे से भटकना चाहते हैं? चुनकर आए हैं, अगर संगीत सोम विधायक हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए, और सरकार को खास करके इन सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि आखिर वो मैसेज क्या देना चाहते हैं, बार बार इस तरह के बयानबाजी। ठीक है, और यही सवाल ब्रजेश जी आपसे है, बीजेपी की ओर से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पहले पर्यटन विभाग की ओर से बुकलेट जारी होती है, उसमें नाम नहीं होता है ताजमहल का, और उसके बाद रीता बहुगुणा जोशी सामने आती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, ताजमहल सांस्कृतिक विरासत है, सफाई देती हैं। अब संगीत सोम साहब सामने आए हैं, उन्होंने ये बात कही है, गद्दारों ने बनवाया था ताजमहल, ये बात वो बात, और फिर उसके बाद आपकी पार्टी जो है वो कहती है कि नहीं, ये उनका निजी बयान है, हम किनारा कर रहे हैं। क्या आपकी पार्टी इतनी दीनहीन है कि कोई भी आपका विधायक, कोई भी आपकी पार्टी का मेंबर कुछ भी बोल के निकल जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते? आपने ये जो प्रश्न किया है संगीत सोम जी के उस बयान को मद्देनजर रखते हुए, या आपने इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न मुझसे किया है? आपने चूंकि आप उस बयान से खुद को अलग किया है, बीजेपी ने उनको निजी बयान बताया है, अगर कोई विधायक बयान दे रहा है, आप निजी बता रहे हैं, खुद को अलग कर रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है क्या आप लोगों का? बिल्कुल आपने ये सही कहा कि अगर ये निजी बयान हमारी पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा है तो हो सकता है कि यह बात मान्यता के दायरे में आती है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस सांस्कृतिक विरासत की बात अभी हमारे मित्रगण कह रहे थे, इतिहास लेखन पूरे मुगल साम्राज्य से पहले और आज नहीं तक, सर, इतिहास नहीं, नहीं, बाद में जाएंगे, नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं नहीं, मैं हम इतिहास में बाद में जाएंगे, ब्रजेश जी की बात का जवाब ले लीजिएगा, लेकिन पहले मेरी बात का जवाब दीजिए आप, कि जो बयान आते हैं, क्या स्ट्रेटजी क्या है ताजमहल को लेकर के आप लोगों की? देखिए पहले एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए, पर्यटन विभाग की जो बुकलेट है उसमें नाम नहीं होता है, रीता बहुगुणा जोशी आकर के जवाब देती हैं और सफाई देती हैं कि नहीं, सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी प्राथमिकता है कि हम इसके बारे में काम करें, उसके बाद जब संगीत सोम बयान देते हैं बीजेपी खुद को अलग कर लेती है, आखिर क्या स्टैंड है आप लोगों का ताजमहल? बिल्कुल आपने स्ट्रेटजी की बात कही, इसमें कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, कोई रणनीतिक तैयारी नहीं है, विशुद्ध रूप से एक प्रश्न का जवाब हम चाहेंगे अपने सारे मित्रों से कि ताजमहल महल है या मकबरा है, पहले यह तय कर लें। ये अगर महल है तो महल को मकबरा का दर्जा देने का काम किन लोगों ने किया है? सबसे पहले हमारे वो सारे मित्र इतिहास पढ़ें जो हमको इतिहास पढ़ने की सीख देते हैं, उनको पहले यह पता होना चाहिए 1631 में मुमताज की मृत्यु होती है और 1632 में उसका मुमताज महल का मकबरा बनने का काम चालू होता है। ये महल और मकबरा
दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए, सोम के बयान का समर्थन कर रहे हैं। किस चीज का? हम कह रहे हैं कि ये बनाने वाले, ये बनाने वाले लोग कहां से आए थे? ये भारतीय भारत भूमि के थे? सही कहा है कि नहीं कहा है? या मैं कह रहा हूं ये भारत भूमि के थे जो जिन लोगों ने मकबरा बनाया? सोम ने जो कहा है वो सही कहा है कि नहीं कहा है? हम एक बात जानते हैं कि भारत में आकर कब्जा करने वाले आक्रांता के रूप में पूरे भारत भूमि को रौंदने वाले निश्चित तौर पर भारत के दुश्मन थे। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो बयान है संगीत सोम का, उन्होंने गलत कहा है ना? ये आप मानते हैं? मैं एक बात एक साफ कर दूं कि संगीत सोम ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, हो सकता है काट छांट करके ये न्यूज यहाँ पर प्रसारित की गई है, लेकिन पूरे पूरे बयान को पढ़ना चाहिए। संगीत सोम ने ये कहा है, एक सेकंड, संगीत सोम ने ये कहा है कि बहुत से लोग इस बात से चिंतित हैं कि ताजमहल को यूपी टूरिज्म बुकलेट में ऐतिहासिक स्थानों की सूची से हटा दिया गया। किस इतिहास की बात हम कर रहे हैं? जिस शख्स ने ताजमहल बनवाया था उसने अपने पिता को कैद कर लिया, वो हिंदुओं का कत्लेआम करना चाहता था। अगर यही इतिहास है तो ये बहुत दुखद है, हम इतिहास बदल देंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। गारंटी दे रहे हैं इतिहास बदलने की? देखिए, आपने इंटरनेट की उसी भाषा को बिल्कुल हूबहू उतार दिया जो इंटरनेट पर आजकल खबरें प्रसारित की जाती हैं। अगर ये बातें सच हैं तो गलत कह रहे हैं। एक हमारे मित्र कह रहे थे कि कक्षा 12 पास हैं, उनको पता हो जाना चाहिए। उन्होंने शायद अपने रहनुमा के बारे में नहीं पूछा कि क्या हाई स्कूल पास हैं, क्या उनकी शैक्षिक योग्यता, अगर हाई स्कूल की हो, जिनको अपनी पार्टी के युवराज के रूप में देखते हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता का एक बार भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रजेश जी, तो उनको शर्मिंदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या अगर इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको शर्मिंदा होना चाहिए? भाषा उनकी पूरी तरीके से मर्यादित है। अगर गद्दारों ने हमारे देश को रौंदने का काम किया, हमारी परिपाटी को, हमारी सभ्यता को मिटाने का काम किया, तो उनकी कोई ऐसी चिन्ह, उनकी कोई निशानी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें किसी भी लोकतांत्रिक मर्यादा और किसी भी उसकी दुहाई देने की बात कहना कि मैं गारंटी लेता हूं कि मैं इतिहास बदल दूंगा, ये मर्यादित भाषा है क्या? अगर गलत इतिहास लिखा गया है तो निश्चित तौर पर इतिहास को सही मायने में सही चश्मे से और दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। विजेंद्र जी, अभी नए नए भाजपाई बने हमारे मित्र जो बोल रहे हैं, अब लीजिए साल भर भी नहीं हुआ होगा। नहीं, पर्सनल अटैक, मैं उसी पा रहा हूँ, पर्सनल अटैक नहीं, उन्होंने पर्सनल अटैक किया इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। जहाँ तक इतिहास की बात है और मर्यादित भाषा की बात है, मैं तो अपेक्षा ही नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कोई आदमी मर्यादा की कोई बात कभी किया है, कभी करेगा। अब जो तीन सवाल उन्होंने उठाए हैं, मैं सुन रहा था उनका, संगीत सोम जी का फ्रस्ट्रेशन जब वो बोल रहे थे कि उन्होंने अपने बाप को कैद कर लिया था। अरे भाई, कैद तो अंडवानी जी भी हैं, और ये इतिहास में चर्चा होगी कि अंडवानी पीएम क्यों नहीं बने, राजनाथ सिंह जी क्यों पीएम नहीं बने, सुषमा जी पीएम क्यों नहीं बनी। अब ये दर्द उसी नहीं होना उसी प्रकार उसी प्रकार ये मुझे नहीं का विषय है, ये आपकी पार्टी का विषय नहीं। आप सुनना और... आप सुनना सीखिए, मैं भी चुप रहा बिल्कुल जब आप सवाल कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन आप बाप और पार्टी के वरिष्ठ नेता के दोनों की तुलना गलत कर रहे हैं ना? मैं तुलना कर रहा हूँ। नहीं नहीं, देखिए, आप हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आप कैद करने की बात कर रहे हैं और हम चुपचाप बैठे रहे? ठीक है, जब बोलिए आपकी परिभाषा आप ये पूरी तरीके से जो उन्होंने कहा है संगीत सोम का, वो फ्रस्ट्रेशन था, वो पूरी तरीके से सत्ता की लड़ाई इतिहास में होती थी, और एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। चाहे हिंदू राजा हुए जिसके पिता, जिसके पूर्वज के बारे में उस सम्मान समारोह में बोलने गए थे, पृथ्वीराज चौहान के नाना आनंद पाल तोमर जी के बारे में, खुद पृथ्वीराज ने महोबा के परमारों के ऊपर, कन्नौज के घरवारों के ऊपर, और वहाँ के चंदेलों के ऊपर शासन, और गुजरात के सोमदेव के ऊपर आक्रमण किया। तो जब सत्ता जिसकी थी उस समय, जो चाहे क्षत्रिय राजा रहा हो, चाहे मुस्लिम पीरियड रहा हो, चाहे अंग्रेज पीरियड रहा हो, अपने सत्ता का विस्तार करने के लिए राजा लोग लड़ते रहे हैं। इसके 50 उदाहरण हैं। खुद अकबर के बारे में बात लीजिए, वो चांद बीबी अहमद शाह बादी से लड़ता था अब वहाँ गोलकुंडा में लड़ाई जाने के लिए। तो उसी प्रकार इतिहास के बारे में भारतीय जनता पार्टी वालों से आदमी कुछ ना बोले तो भी अच्छा है। जिन लोगों के इतिहास में इतिहास के बारे में आपका इतिहास में योगदान ना कोई आपकी भूमिका है ना भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की इतिहास के बारे में कोई इतिहास के बारे में कोई जानकारी है आप कांग्रेस और इतिहास बात की गलत नहीं बनाता इतिहास का इतिहास तोड़ने का काम इतिहास और हमारे योद्धाओं का इतिहास बनाता है। योद्धाओं का काम जिन्होंने उसका इतिहास देश को आजाद कराने में
भूमिका अदा की, उनके उनके योगदान को नजरअंदाज करके कम्युनिस्टों की नजर से इतिहास दिखाने का काम किया गया। तो कौन सा इतिहास लिखा जाएगा? इतिहास सवाल इसी बात का है, सवाल इसी बात का है। आप कुछ करिए, पहले दो पैसे का काम करिए, फिर इतिहास में जब आप नहीं रहेंगे, जो चीज बीत जाती है वो इतिहास में होती है, वर्तमान का कोई इतिहास नहीं होता है। पहले आप कुछ कर डालिए। लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले दो पैसों का काम घोटाला सीख नहीं देना चाहिए। घोटाला पर बहस, घोटाला के दिन आप पैसों पर काम करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं तो बात करिए ना कि काम पैसों की घोटाला क्या होती है। क्या घोटाला डिबेट करेंगे तो मैं आपसे ज्यादा डिबेट करूंगा? बिल्कुल घोटाला डिबेट हो रही है। आप लोग रुपए में खेलने वाले लोग हमको दो पैसे का काम करने की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अगर आप हमारी योजना, हमारी योजनाएं देखना चाहेंगे तो गरीबों उन्मुखी, हमारी सारी योजनाएं गरीबों उन्मुखी है। हिंदुस्तान कांग्रेस का बनाया हुआ है। अरे कांग्रेस ने इस देश का इतिहास कलंकित किया है। कांग्रेस ने इस देश का इतिहास कलंकित किया है। अगर कांग्रेस न होती तो आज हमारा देश दुनिया में अमेरिका के पैरेलल खड़ा होता। विजेंद्र जी एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, ठीक है, हम बात एक सेकंड रुकिए आप लोग, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर सौरभ मालवीय जी, इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर चुनाव जब नज़दीक आते हैं तो ऐसे बयान शुरू हो जाते हैं। चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के निकाय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन साथ ही सवाल ये भी कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार में ये विरोधाभास क्यों है? आखिर क्यों वो तय नहीं कर पा रही है कि ताजमहल को लेकर के वो कौन सा स्टैंड लें? योगी जी बयान देते हैं ताजमहल को लेकर के, विवाद होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो बुकलेट जारी होती है उसमें ताजमहल का नाम नहीं है, लेकिन उन्हीं के मंत्री जो हैं आकर के सफाई दे देते हैं उस पर। अब जब संगीत सोम बात कर रहे हैं तो बीजेपी कहती है कि निजी बयान है। आखिर क्या मजबूरी है वोट बैंक की बीजेपी की कि वो जानती है कि ताजमहल से लोग प्रेम करते हैं, उसके बावजूद ऐसे बयान आने हैं क्योंकि चुनाव में फ़ायदा उठाना है? सबसे पहले तो मैं इन दोनों वक्ताओं को ये बताना चाहूँगा कि ये युग विज्ञान का युग है, इसलिए विज्ञान के आधार पर जांच करा लिया जाए कि ताजमहल क्या है और आप लोगों को फुर्सत मिल जाएगी इससे। लेकिन भारत के इतिहास को काफ़ी विवादों में रखा गया है। जो इतिहास है वो कितना सच है ये कहना जरा मुश्किल है। इसलिए 1155 में जो सौरभ जी बता रहे थे, ब्रजेश जी बता रहे थे, तो मैं आपको बताऊँ 1155 में राजा परमाद्री, ये भी उल्लेख आता है कि राजा परमाद्री ने 1155 में ताजमहल जो था उसको एक मंदिर बनवाया था, और मुमताज़ की मृत्यु वहाँ से आगरा से 1200 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में हुई। उसके मरने के 150 साल बाद वो मकबरा के रूप में आया या भवन बना, ये काफ़ी एक विवाद है। तो इसलिए संगीत सोम का ये बयान किसी भी तरह से विवाद को जागृत करना है। तो भारत के इतिहास को जिस तरह से लिखा गया है, चुनाव का दौर चल रहा है, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश है जहाँ का की राजनीतिक गतिविधि पूरे देश को प्रभावित करने वाली है, गुजरात भी है, स्थानीय निकाय चुनाव भी है, उसमें मुझे भी ऐसा लग रहा है आप सच कह रही हैं कि यह इस तरह का बयान जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। विकास के एजेंडे हैं, जब 2014 चुनाव हो रहा था, आज 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और जिन राज्यों में आने वाले हिमाचल में चुनाव हैं, गुजरात में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, बाकी राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो विकास को एजेंडा लेके गए हैं। उत्तर प्रदेश स्वयं सबसे बड़ा उदाहरण है कि इस प्रदेश में सिर्फ एक ही नारा चला और वो नारा था विकास, ठीक है। तो विकास के आधार पर बात करने से सरकार भटक, यानी कि कुल मिलाकर के जा कहां रही है, और इस तरह के बयान देके आखिर दर्शाना क्या? कुल मिलाकर के ओबैसी जी का बयान आना इस पर, उस पे बात करने की गर्माहट है। लेकिन ब्रजेश जी, कुल मिलाकर के बात ये है, पॉलिटिकल इक्वेशन आप डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी पता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें कई सारे पेच हैं, और ताजमहल जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत है, लोग बाहर से आते हैं, पर्यटन जो है यहाँ का, उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का, उसमें बहुत योगदान है ताजमहल का। अगर इसमें कुछ भी खामी आती है या फिर
हमें नुकसान पहुंचता है, श्रेणी में हमें नुकसान पहुंचता है, तो पर्यटन विभाग को नुकसान पहुंचा और हम हमारी संस्कृति नहीं उसको छोड़ने ठीक है। तो ब्रजेश जी, कुल मिलाकर के बात ये है कि आप जो है सिर्फ ये पॉलिटिकल इक्वेशन साधने के लिए कर रहे हैं, आपने रिसर्च करवाने के लिए क्या कुछ किया है? अगर आपको इतिहास से इतना गुरेज है, आप जानते हैं कि इतिहास जो है उसमें कुछ गलत लिखा गया है, तो आपने क्या किया है आज तक उसको सही करवाने के लिए? केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, बिल्कुल क्यों ना माना जाए, क्यों ना माना जाए ब्रजेश जी के ऐसे बयान देकर बयानबाजी से नहीं भड़काना चाह रहे हैं? भड़काने की क्या जरूरत है? सिर्फ ये कह देना कि मैं गारंटी लेता हूँ कि इतिहास बदल दूंगा, इस तरह के बयान से क्या मतलब? जवाब मैं दूं? हाँ चलिए। आपने ये कहा कि केंद्र में सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, और इतिहास संकलन के लिए और इतिहास का सही परिदृश्य क्या है उसको लिखे जाने के लिए निश्चित तौर पर भारत सरकार पूरी तरीके से इस पर काम कर रही है और प्रदेश सरकार भी उस पर पूरी तरीके से सतर्क है। क्या और इसी दृष्टि से इतिहास संकलन विभाग बनाया गया है और भारत सरकार ने कहा है कि जिस तरीके से हमारे देश के इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को कुछ चंद चाटुकारों ने जो टुकड़ों पर इतिहास लिखते थे, फिर क्या वजह है ब्रजेश जी, फिर क्या वजह है कि इस बयान से बीजेपी अपने को अलग कर ली? कहां अलग कर ली, कहां पर आपने मान लिया? आपको तो पता नहीं, मैंने नहीं माना। आज का बयान देखिए, नलिन कोहली, आप सुनिए, मैं कह रहा हूं, मैं रीता बोगड़ा एक व्यक्ति के इसी बयान से एक कार्यकर्ता के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में मेरे भी सजग है तो बोले ना कि हाँ हमारा हिस्सा है, हमारी रणनीति का हिस्सा है उनका बयान, उनके बयान का रणनीति नहीं है, रणनीति नहीं, लेकिन जो चीजें, जो गलतियां हुई उनको सुधारने के लिए अगर सरकार में हम आए हैं, सत्ता में आए, जनता ने हमें चुनकर भेजा है, तो जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारने का काम करेंगे। अगर जो गलतियां हुई हैं इतिहास में और इतिहास लेखन में उनको सुधारने का काम नहीं करेंगे तो फिर उन सरकारों में और हमारी सरकार में अंतर क्या रहा? तो फिर क्यों अलग कर रहे हैं खुद को? अगर संगीत सोम ये कह रहे हैं समर्थन करिए इस बयान का, खुल के समर्थन करिए, संगीत सोम जी के बयान का समर्थन केंद्र के हमारे सारे बड़े नेताओं ने, किसी ने इस तरह पर नहीं कहा कि उन्होंने कोई गलत काम किया। अच्छा। इतिहास में गद्दारों ने हमारे देश की गरिमा को, हमारी मर्यादा को, हमारे वैभव को पूरी तरीके से रोकने का काम किया था। वो गद्दार हमारे लिए कभी भी मर्यादा से नहीं हो सकते। अगर आप ये कह रहे हैं कि तमाम लोग जो है संगीत सोम के बयान का समर्थन कर रहे हैं तो ये आपकी पार्टी के लिए बहुत घातक है। नहीं, घातक नहीं है, हम इससे भयभीत नहीं होते हैं, बिल्कुल घातक नहीं है। आप कह रहे हैं हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, इतिहास गलत लिखा गया। अभी जैसे सौरभ जी ने कहा, एक मिनट ब्रजेश जी, एक सेकंड, आप ऐसे ऐसे भाग नहीं सकते, एक सेकंड, आप इतिहास में बाद में जाएंगे, पहले ये बताइए कि जो बयान दिया है, जो बयान दिया है संगीत सोम ने, उस मकबरे को पढ़ लीजिए, जाके देख लीजिए, घुड़साल भी है वहाँ पर, अतिथि है वहाँ पर, अतिथि है वहाँ पर, लोगों के रहने के लिए खाने और बनाने की जगह है, वो कैसे कम लगा हो सकती है? पहले ये बताइए कि जो बयान दिया है संगीत सोम ने, आप कह रहे हैं आपके मुताबिक, अगर आपकी अभी अभी कही बात को समझा जाए तो बीजेपी उसके साथ है ना? हम कह रहे हैं इतिहास गलत लिखा गया है, आप कह रहे हैं कि तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो आपके उसके बयान के साथ हैं, संगीत सोम के बयान के साथ हैं। मैं कह रहा हूं इतिहास गलत लिखा गया है और गलत इतिहास दोबारा नहीं पढ़ा जाएगा, इसके लिए हम और हमारी सरकार, केंद्र सरकार जी, सही इतिहास की जानकारी सबको होनी चाहिए, सबके बीच में आनी चाहिए, सभी युवा वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के बीच में इतिहास सही आए, लेकिन यह जो तरीका है, आप इस तरीका पर पार्टी के तरफ से, अच्छा एक बुकलेट में अगर नाम नहीं, ताज महल का नाम बुकलेट में नहीं छपा तो इससे कौन सा सांप्रदायिकता भड़क गई? कौन सा ऐसा? एक सेकंड रुकिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सुनील सिंह यादव जी भी हैं। सुनील सिंह यादव जी, क्या इतना कह देना आसान है क्या कि एक बुकलेट में अगर नाम नहीं छपा तो कौन सी आफत आ गई? क्या ये कह देना इतना आसान है या फिर पूरी स्ट्रैटेजी सरकार की काम कर? नहीं, मुझे लगता है कि अगर इनको लगता है कि इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ, तो क्या नरेंद्र मोदी जी के जगह या अडवाणी जी का नाम लिख सकते हैं कहीं पर कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं? एक, मुझे लगता है ओछी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये इनको दर्द जरूर है और ये दर्द इनका जायज है, भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, कि ये इनको इतिहास बदलना है, क्योंकि ये अंग्रेजों के साथ मददगार थे आज़ादी की लड़ाई में, तो ये कहीं बेचारे क्रांतिकारी नहीं हो पाए,
कि अपना इतिहास बदल के खुद को क्रांतिकारी साबित करना चाहते हैं कि देश के आज़ादी में हमने सबसे ज़्यादा योगदान किया है। आरएसएस के लोग फांसी पर चूमे हैं, आरएसएस के लोगों ने गोली खाई है, आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों को भगाया है, ये यही दिखाना चाहते हैं। ये किस इतिहास की बात करते हैं? देखिए, राजनीति किसी भी स्तर की हो, लेकिन जो हमारे देश की धरोहर है उस पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये ताजमहल, लाल किला इस देश की धरोहर है। हाँ। बहुत सी चीज़ें इस देश की धरोहर हैं। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी आदमी अगर इस देश में घूमने आता तो उसकी एक इच्छा रहती कि ताजमहल के साथ उसको देख ले, उसके साथ फ़ोटो खिंचा ले। तो ताजमहल देश के बाहर ये इस देश की पहचान है, ये स्वाभिमान है। आप उस पर क्यों बहस कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बहस करना चाहते? निशाने की बात करने वाले मित्र पहले एक बात जान लीजिए। नहीं, आप देखो, बीच में मत बोलो। अरे अरे यार, चुप रहो यार। क्या? पहले चुप रहो। क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ चुप रहो। मैं ठीक कह रहा हूँ, चुप रहो। पहले मैं कह रहा हूँ ठीक रहो। मैं कह रहा हूँ लहजा सुधारो। ये मुझको दूसरी तरीके मत समझो। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारा मैं आपके बीच में, इनको समझा दो, या तो मैं बोल लूँ या इनको बोलने दो। ये बोल लो, लेकिन अभी आपका घमंड एक मिनट में ठीक हो जाएगा। एक मिनट में अभी हम कह रहे हैं तुम मुंडई की भाषा। एक मिनट अब इनको बताइए, इनको बीच में बोलना है मुझे? बोलना तुमको मुंडई की भाषा समझा दूंगा। जो के दलाल ऐसी बात करेंगे, गुंडे अपराधियों की पार्टी वाले अंग्रेजों के दलाल इस तरीके से बात करेंगे। एक मिनट में तुमको बाहर सिखा दूंगा मैं। डिबेट की मर्यादा को बना के रखिए प्लीज। एक सेकंड रुकिए आप लोग दोनों। ब्रजेश जी, ये सवाल खड़ा कर रहे थे शुरुआत में कि जो बयान है संगीत सोम साहब का, वो शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो दिखा नहीं पा रही है, या फिर आप कहीं से कंप्यूटर पे जो वेबसाइट्स होते हैं वहाँ से आप लेकर के दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक बार हम बयान सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा है संगीत सोम ने, उसके बाद ब्रजेश जी जवाब देंगे। मुझे नहीं कहना चाहिए, बहुत लोगों को बड़ा दर्द हुआ कि आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक स्थलों में से निकाल दिया गया। कैसा इतिहास? कहां का इतिहास? कौन सा इतिहास? क्या वो इतिहास कि ताजमहल को बनाने वाले ने अपने बाप को कैद किया था? क्या वो इतिहास कि ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था? ऐसे लोगों का अगर आज भी इतिहास में नाम होगा तो ये दुर्भाग्य की बात है, और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि इतिहास बदला जाएगा। ब्रजेश जी, गारंटी ले रहे हैं संगीत सोम की इतिहास बदल देंगे, भाषा मर्यादित है क्या? देखिए, आपने इस बात को हमको दिखाया और उनके इस भाषण को लोगों ने सुना भी है। इतिहास बदला जाएगा, बदला जाएगा, यानी जो इतिहास गलत लिखा गया है उसको हमारे देश में, हमारे समाज में, जो हमारे इतिहास वेत्ता है, जो हमारे इतिहास वेत्ता हैं, उन लोगों के माध्यम से पूरा अध्ययन करा करके जहां पर गलतियां त्रुटियां हुई हैं उस इतिहास को बदला जाएगा। ये बात उन्होंने कही है। कोई स्ट्रेटजी भी है कि रैलियों में ऐसे बदलेंगे क्या बयान देकर के? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जनता, हम जनप्रतिनिधि हैं, संगीत सोम जी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुनकर आए हैं। जब बात को कहेंगे तो जनता के बीच ही कहेंगे, किसी बंद कमरे में नहीं कहेंगे। उन्होंने जनता के बीच कह करके ये बताया है कि जहां कहीं पर भी इतिहास लेखन में, इतिहास को प्रस्तुत करने में गलतियां हुई हैं उसको बदला जाएगा, क्योंकि उस पर काम चल रहा है। संगीत सोम कैसे जनता की बात सामने रखते हैं ये भी हम बता देते हैं अपने दर्शकों को। संगीत सोम वो हैं जो लगातार विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। संगीत सोम वो हैं जिन पर साल 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे भड़काने का आरोप लगा था। 18 अगस्त 2016 को उन्होंने कहा था कि यूपी चुनाव को भारत और पाकिस्तान की जंग के तौर पर देखना चाहिए। मेरठ की रैली में बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा था कि यूपी का अगला चुनाव हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग की तरह है, इसमें बीजेपी को हराना यहाँ पाकिस्तान बनाने के बराबर है। ये तमाम चीज़ें कह चुके हैं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय जी, क्या सिर्फ हम इस तरह से देखें कि वो चूंकि विधायक हैं इसे जनता के सामने हैं तो अपनी बात रख रहे हैं? जो खास करके बयान है और विवादों में बने रहने का एक जो शगल बनता जा रहा है वो तो राजनीति से प्रेरित मसला है। लेकिन ठीक है, ब्रजेश जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि इतिहास को लेके विचार होना चाहिए, इतिहास लेखन होना चाहिए। इतिहास लेखन के बिल्कुल पक्ष में है, होना चाहिए। सरकार है, भाजपा की सरकार है, उन्हीं की, उसी विधायक की सरकार है, बहुमत की सरकार है, संयोग से केंद्र में भी सरकार है। इतिहास लेखन में कोई दिक्कत नहीं है, लेखन करिए। पुरुषोत्तम नागेश ओक की ये किताब है ब्रजेश जी, आपको मैं उस पुस्तक का रेफरेंस भी दे रहा हूँ, आप उसको जरूर देखें। उन्होंने स्वयं इसका जिक्र किया है, सारे रेफरेंसेस दिए हैं
बहुत दो वर्ग है भारत में इस समय इतिहास को देखने वाला। एक लगभग 50 वर्षों तक जो इतिहास लेखन किया उसकी दृष्टि थी पाश्चात्य देशों की, उस नाते भारत को देख के लिखा। दूसरी जो दूसरा वर्ग है वो ये कह रहा है कि भारत को भारत की नज़र से हमें देखना होगा। तो ये तो कंट्राडिक्टरी चलती रहेगी, ये विवाद चलता, इस विवाद को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन क्या भारत की संस्कृति ये है कि कोई बनवाया हो कुछ तो उसको गद्दार कहना? ठीक है, गद्दारों ने बनवाया, कोई दिक्कत नहीं, आपके शब्द बड़े चुटीले हैं, आपके शब्द बड़े कठोर हैं, लेकिन स्वीकार तो करिए। आप बनाने में जो भी बनाया है तो आप निर्माण करिए ना, आप तो सृजन की बात करने वाले हम लोग हैं, ठीक है, तो काहे लिए तोड़ने की बात करना? इसका मायने है ये जो चीजें दिख रही हैं बीच बीच में इस तरह के बयान दे के खुद को स्थापित करना, या जनता जो तमाम चीजों को लेके उलझी हुई है उससे ध्यान भटकाना, और फिर अब ओवैसी जी का बयान आना, इस पर अलग दोनों लोगों का बयान आ जाना, फिर तरह ओवैसी जी के बयान पर हम बात करेंगे और ब्रजेश जी से हम प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन उससे पहले विजेंद्र सिंह जी के पास में जाना चाहती हूँ। विजेंद्र सिंह जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि बयान तो बीजेपी के नेता दे देते हैं, संगीत सोम ने रैली में खड़े होकर के लोगों के सामने ये बयान दिया है और कहा है कि मैं गारंटी लेता हूं कि इतिहास बदलेगा, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं जब उनसे पूछा जाता है, जो कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, तो वो पीछे हट जाते हैं। नलिन कोहली जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, उन्होंने संगीत सोम के बयान को निजी राय बताया है, उससे किनारा किया है और कहा है कि ताजमहल भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से पूछा गया इस मामले में, उन्होंने सफाई दी है, उन्होंने कहा है कि ये किसी का भी व्यक्तिगत विचार हो सकता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मेरा मानना है, यानी कि रीता बहुगुणा जोशी का मानना है कि ताजमहल सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, हेरिटेज है, बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। यानी कि सरकार कन्फ्यूज है, ये ऐसा क्यों, ये कन्फ्यूजन क्यों? ऐसा है कि लोगों से कुछ कभी हुआ नहीं है, अभी साजन जी सही कह रहे थे, इनका ना तो भारत की आज़ादी में कोई, केवल इनका ताजमहल से ही थोड़ी कोई दिक्कत है, इनको तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से दिक्कत है, इनको भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू जी से दिक्कत है, इनको भारत रत्न इंदिरा जी से दिक्कत है, जिसने भी हिंदुस्तान के बारे में कुछ किया है जो दुनिया में और देश को दिखाया जा सकता है, चाहे वो IIM हो, भाखड़ा नागल डैम हो, चाहे वो भाभानुसंधान केंद्र हो, तो जो भी सरदार सरोवर परियोजना हो, जो भी कुछ दिखाने लायक है, बताने लायक है, इनका कोई योगदान नहीं था देश की आजादी में, तो उन सारे चीजों पर ये सवाल खड़ा करते हैं। आज जो ये हमारा ताजमहल है, कुतुब मीनार है, या आपके लाल किला है जहां से हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, उसका सबका एक ऐतिहासिक महत्व है, और इतिहास लिखा नहीं जाता है कि हम कांग्रेस की सरकार आई कुछ लिख दिया और कुछ ये लिख चले जाएंगे। इतिहास बनता है, जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो हमारे जाने के बाद जो पीढ़ियां आएंगी वो उसको इतिहास के रूप में, वो इतिहास दर्ज है, वो हमारे मिटाने से या बनाने से या इनके ये हमारा इनका भ्रम हो सकता है। आज सत्ता में इनका प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, तो इनका भ्रम हो सकता है कि ये नया इतिहास लिख देंगे, हमारे बारे में कोई मिथ्या प्रचार करे कि हमने कोई इतिहास लिख दिया है, न इतिहास हमारा लिखा हुआ है, न इतिहास ये बना पाएंगे। इतिहास बनाया है लोगों ने अपने कृत्यों से, 950 वर्ष तक मुस्लिम शासन यहाँ हिंदुस्तान में रहा, अगर वो सारे हिंदुओं को मार डालना चाहते तो कोई 5.5 साल सरकार नहीं चला पाते हैं, जनता के विश्वास खो देते हैं, दोबारा ये आ जाते हैं, इनके बाद वो आ जाते हैं, और कोई 11वीं शताब्दी से लेकर के अगर 17वीं शताब्दी तक रूलर रहा है तो मार काट के तो कम से कम नहीं रहा होगा, जहां तक मेरी सामान्य बुद्धि काम करती है। हो सकता है उसमें भी कुछ लोग गलत रहे हों, हो सकता है आज के दौर में भी कुछ लोग गलत हों, उनकी सोच गलत हो, मेरा केवल और केवल इतना कहना है कि हम जो आज मौजूद सवाल हैं, सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी का है, किसानों की समस्या है, और हमारे जो प्रधानमंत्री के तानाशाही फैसले से, नोटबंदी और GST से पूरे देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई है, कहिए डिजास्टर टाइप की स्थिति हो गई है, इस पर जनता का ध्यान न जाए। आप देखिए बाजार सब खाली पड़े हुए हैं, सबसे बड़ा हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दिवाली है, बाजार सब खाली पड़े हैं। मैं अभी हजरतगंज जनपद से आया, किसी दुकान में एक आदमी जहां, क्योंकि किसी के पास आर्थिक हैसियत नहीं बची, लोग रोजगार नहीं पा रहे हैं, ऐसे चीजों से जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान भटकाने की कोशिश है ब्रजेश जी। हाँ, केवल और केवल ध्यान भटकाने के, ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और RSS के फ्रस्ट्रेशन में ये काम हमेशा, जब भी कोई देश के विकास की बात शुरू होगी तो हिंदू मुस्लिम के बारे में, मतलब इनको ये सूट करता है कि लोग काम के चीज पर बहस ना करें, बेरोजगारी पर, किसानी पर, महंगाई पर, गरीबी पर, इस पर कोई डिबेट ना करें, हिंदू ये बोल दिए ब्रजेश जी, ठीक है, हम जवाब दे देते हैं, एक सेकंड एक सेकंड, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है, और दोनों लोगों को सूट करता है, ठीक है विजेंद्र जी, तो मैं कह रहा हूँ कि इस पर इतिहास, हम जवाब ले लेते हैं, ब्रजेश सौरभ जी जी,
जवाब दीजिए। प्रश्न कहाँ किया उन्होंने? प्रश्न कर लीजिए विजेंद्र जी, प्रश्न कर ही लीजिए। प्रश्न इनसे मैं क्या करूं? ये काम के आदमी नहीं है, इनको केवल आरोप लगाना है। आपको जो समय मिला उस पर हमारे ऊपर आरोप लगाइए। मैं तो कह रहा हूं कि इस हिंदुस्तान में जो कुछ भी बताने लायक है, जो कुछ भी दुनिया को दिखाने लायक है, सब कांग्रेस पार्टी ने किया है और बड़े बड़े काम किया है। उसी के बारे में गाली गलौज करिए हमारे साथ। आप ले लीजिए और आप कुछ बोल तो सकते नहीं, कुछ करने के लिए है नहीं। अरे जी करना है तो बताओ कि आपके समझ में आ गया, काल में एक ऑक्सीजन के जगह पर इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई की गई, उसकी हाई कोर्ट से जांच आ गई। इलाहाबाद के विधायक जी आपके भी रिश्तेदार लगते होंगे, उनके लड़के की भी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। एक सेकंड, एक सेकंड विजेंद्र जी, एक सेकंड चलिए। आप सवाल का जवाब दे रहे हैं, लंबा प्रश्न कर रहे हैं, जिसे प्रश्न एक ही प्रश्न है, कथा आप कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है, आपके जो समझ में आवे बोलिए बोलिए बोलिए। प्रश्न किया, प्रश्न है जनता के इशू, देखिए जनता के इशू पर बोलिए, महंगाई पर बोलिए, गरीबी पर बोलिए, कांग्रेस पर बोलिए। कांग्रेस की उपलब्धियों की बात करते हैं जी। आजादी के बाद से 1947 से 70 सालों के स्पैन में सत्ता में 60 वर्षों तक कौन रहा? मैं रहा और इसके मुझे गर्व है। हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता का आभारी हूँ कि अगर 60 वर्ष तक किसी जनता ने किसी पार्टी पर भरोसा किया, विश्वास किया, उसका मुझे गर्व है। मैं हिंदुस्तान के जनता को गर्व हो और प्रणाम करता हूँ। और गौरवान्वित होने का अवसर नहीं मिलेगा, निश्चिंत हो जाइए। और गुजरात में चुनाव होने जा रहा है, आपका सुप्रा साहब होने जा रहा है, अभी पंजाब का परिणाम निकल आया है, सीमांचल का परिणाम आएगा। इतने 60 वर्ष तक किसी को भरोसा जनता ने दिया, 60 वर्षों तक इससे बड़ी आपने जितना राज किया, जो विकास करना चाहिए वो नहीं कर पाए, सिर्फ रत्न बनाते रहे। जवाहरलाल नेहरू जी रत्न हो गए, उन्होंने परमाणु केंद्र बनाए, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में सुषमा स्वराज जी जो बोल के आई हैं, वो सब नेहरू जी ने बनाए हैं। आप पढ़ना लिखना सीखिए, या तो आप सुषमा स्वराज जी को कंडम करिए। दुनिया के मंच पर जो बात बोल कर आई है, सब के सब नेहरू जी का किया हुआ है। सुन लीजिए, पूरी तरीके से सड़क जिस अमूल फैक्ट्री का जिक्र करके आए, सब नहीं, सब कुछ हमारा किया आलू हुआ है। फैक्ट्री लगाने वाले नेताओं के फैक्ट्री लगाने वाले फैक्ट्री में बनता है, खेत में नहीं बनता। पढ़ना लिखा अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकिए। आलू से आलू से संबंधित सारे सड़क पर चिप्स नहीं बनाया जाता, हम किसानों को उन्नत करना चाहिए। एक सेकंड, एक सेकंड विजेंद्र जी, विजेंद्र जी लोग गुड़ बोते हैं, आपको सुनील सिंह यादव जी का समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील सिंह यादव जी, दो बयान हैं क्योंकि इस पे बार बार चर्चा हो रही है और प्रतिक्रियाएं आई हैं। जो कुछ भी कहा है संगीत सोम साहब ने, ओवैसी साहब ने इस पर पलटवार किया है, कहा है कि लाल किले को भी गद्दारों ने बनवाया था, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराना छोड़ देंगे? उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ ऐसी बात कही। आखिर क्यों लाल किला या फिर हैदराबाद हाउस या फिर दूसरे जो ऐसे हाउसेज हैं या फिर जो पर्यटन स्थल हैं, वहां पर ध्यान क्यों नहीं जाता है बीजेपी का? सिर्फ ताजमहल ही क्यों है टारगेट पर? देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि ताजमहल इन सब चीज़ों, जितने नाम आपने गिनाए, इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया का वो 7वां अजूबा है जो दुनिया मानती है। तो क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आप सोचिए 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण थे, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं के भाषण थे, जो इनका एजेंडा था, इनके एजेंडे में नोटबंदी नहीं थी, इनके एजेंडे में जीएसटी के खिलाफ ये कितना पानी पी पी करके बोले हैं, गाय इनके एजेंडे में नहीं थी, गोबर इनके एजेंडे में नहीं था, सांड इनके एजेंडे में नहीं था, लव जिहाद इनके एजेंडे में नहीं था, जाति हिंसा इनके एजेंडे में नहीं थी, धर्म परिवर्तन इनके एजेंडे में नहीं था। तो जो इनके एजेंडे में था वो तो इन्होंने कुछ किया नहीं। जितना काम 3.5 साल की सरकार में, देश की सरकार ने किया है, वो इनके एजेंडे में था ही नहीं।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो कभी करती नहीं, जो करती वो कभी बोलती नहीं। तो ये झूठे लोग हैं, गुमराह करते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ ना कि आपकी 3.5 साल की सरकार होने वाली है, तो आप बताइए कि देश को आपने क्या दिया है, देश को आप कितना आगे लेकर के गए हैं। आपने कहा था सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, आज सीमाओं पर जो जवानों के हाल हो रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या होगा कि जो हमारे रक्षा कर रहे हैं उन जवानों का उनकी डेड बॉडी कैसे आई, पॉलिथीन में लपेट करके और दफ्ते में लेकर के आ गए, मतलब शर्म नहीं आई इस देश को, और किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। तो आप सीमा की सुरक्षा की बात करते थे, काले धन की बात करते थे, आतंकवाद खत्म कर रहे थे, रोजगार दे रहे थे। आपने कहा कि हम साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने 3.5 साल में कितने रोजगार दिए, 35,000 कुछ दे पाए। तो ये झूठे लोग हैं, जब फंस गए, अब चुनाव सामने है, गुजरात है, हिमाचल है, निकाय है, तो अब आप जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो घंटी बजा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो आप जब काम नहीं कर पा रहे तो स्वाभाविक है कि राजनीति में जब आपने जो कहा वो कर नहीं पाए तो आपको मुद्दा मोड़ना है, बहस मोड़नी है, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, बहस का जो रुख है वो मोड़ना चाहते हैं। ब्रजेश जी, इसका जवाब दीजिए। और साथ ही जो वैसी ने कहा है या उमर अब्दुल्ला ने कहा है उसका भी जवाब दीजिए। लाल किले को भी आप लोगों के मुताबिक गद्दारों ने बनवाया है, तो क्या उस पर से झंडा नहीं फहरेगा या प्रधानमंत्री भाषण नहीं देंगे वहां से? आप लाल किले के उस इतिहास को भी देखिए, जब अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना रखा था और हमारे देश के रणबांकुरे देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ते थे, तो उनको वहाँ पर फांसी दी जाती थी, उनको सजा भी दी जाती थी। निश्चित तौर पर अध्ययन करने का विषय है कि वहाँ पर जब हमारे ऐसे देशभक्तों को सजा देने का काम किया गया तो हम लोगों ने कहा कि ये हमारी सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। लाल किले पर तब से लेकर के आज तक उस प्राचीर से देश के बारे में, देश की आवाम के बारे में सुरक्षित रखने का एक निश्चित तौर पर एक निश्चित तौर पर एजेंडा हमारा बनता है। लाल किले पर किसी भी तरीके से हमारे देश की गुलामी का या किसी भी तरीके से उस संघर्ष को जीवंत बनाकर के काम करने का इतिहास हमारे देश के जनता ने, हमारे देश के नौजवानों ने किया था, इसलिए लाल किले पर प्रश्न उठने का कोई सवाल नहीं है। सौरभ मालवीय जी, ये जो तर्क दे रहे हैं ब्रजेश जी, इसमें कोई दम है कि ये सिलेक्टिव अप्रोच है बीजेपी का? तो ब्रजेश जी बता ही रहे हैं उस बात को, लेकिन जो भारत का इतिहास है तो उसके पीछे जो सच है वो तो सामने आना ही चाहिए। अब वो इतिहास किस तरह से है, किस तरह से आएगा, इस पर सरकार काम करे और उसे लाने की जरूरत है, वो तो लाए। लेकिन यहाँ पर लाल किले से प्रधानमंत्री के बयान को जोड़ना, यहाँ से प्रधानमंत्री को उस बयान में जोड़ देना, ये जरा मुझे उचित नहीं लग रहा है। ठीक है, इसके लिए पार्टी के इस स्तर पर, यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता और यहाँ के पर्यटन मंत्री का बयान आने के बाद भी इस बयान आता है, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी इनके साथ इस बयान पर नहीं, नहीं है। लेकिन हम सियासत को अलग कर दें, सौरभ जी, अगर सियासत को अलग कर दें, जो बातें कही हैं वो वैसी नहीं, या फिर उमर अब्दुल्ला ने, अगर मान लीजिए कोई आम आदमी पूछे ये सवाल कि वो भी मुगलों ने बनवाया है, ताजमहल भी मुगलों ने बनवाया है, ऐसे में ये भेद क्यों? ये पूरी तरह से पॉलिटिकल ही बात हो गई। हाँ। ये बात ही पॉलिटिकल हो गई कि अब हल्ला बोल विपक्ष का होता है कि अब लाल किले के प्राचीर से भाषण नहीं होगा प्रधानमंत्री का, कैसी विडंबना है भाई, ये तो गौरव की बात है जब हमें उस अवसर मिलता है और हम अपनी बात रखते हैं जनता के संदेश। सौरभ जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि फर्क क्यों, अगर दोनों ही इमारतें मुगलों ने बनवाई हैं तो ये फर्क क्यों आखिर, ये नजरिया जो है ये अलग क्यों? ये ब्रजेश जी को थोड़ा सा इस विषय को और थोड़ा समझना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ब्रजेश जी इस बात को जो कह रहे हैं ये कितना अधिकृत है कहने के लिए, जरा ये वही बता पाएंगे, क्योंकि जब पार्टी का प्रवक्ता ही कह रहा है कि उनका निजी बयान है तो फिर तो तालमेल हो ही नहीं पा रही है बात की, निजी उनका बयान हो गया सोम जी का, तो इस नाते इस दोनों को मिला के नहीं देखा जा सकता है, और वो खुद के बयान को लेके जिम्मेदार दिख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस बयान से कह रहे हैं कि वो पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है,
लाल किला इस देश के लिए इस समय जब प्रधानमंत्री जाता है तो बड़ी प्रशंसा की बात होती है कि हम उनके बयान को सुनने वाले हैं, उनके संदेश को सुनने वाले हैं। नहीं, और ऐसे सौरभ जी ये जरा अलग तरह से समझने की जरूरत है, क्योंकि जब बात होती है ताजमहल की, जब बात होती है लाल किला की, एक आम आदमी के जहन में ये सवाल खड़ा हो सकता है कि दोनों इमारतों को लेकर के अगर हम एक इतिहासकार की नजर से देखें, जैसे कि बार बार इतिहास की बात उठती है जब भी ताजमहल की बात होती है या लाल किले की बात होती है, किसने बनवाया था। अब संगीत सोम साहब कह रहे हैं कि गद्दारों ने बनवाया था, अगर गद्दार शाहजहां हैं तो लाल किला बनवाने वाले भी गद्दार हुए, तो कुल मिलाकर के क्यों आखिरी ये सिलेक्टिव अप्रोच? देखिए संगीत सोम कोई वास्तुशास्त्री नहीं है। हाँ। कि उनकी बात को देश ने मान लिया, उन्होंने बोल दिया 25 लोगों की सभा में या 5000 की सभा में, तो हाँ। देश ने उसके स्वीकार कर लिया और उसके पीछे चल दिए। ये कोई वास्तुशास्त्री नहीं है, ये जब तय होगा, इतिहास लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा ये अलग की बात है, वो सब क्या होगा वो अलग की बात है। आज देश के इन प्रमुख स्थल, ऐसे जो पर्यटन के स्थल हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उसको इस देश की जनता बहुत ही आदर पूर्वक देखती है, ताजमहल को आदर पूर्वक देखते हैं। बाद में तय होगा कि वो क्या था, मंदिर था कि मस्जिद था, कि शंकर जी का मंदिर था कि मकबरा था, कि बाद क्या हुआ नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा, इस इतिहास को सच, इसके पीछे जो सच है वो जब आएगा तो जनता देखेगी। लेकिन आज 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 के लिए वह पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। आज के लिए लाल किला का हम उस प्राचीर से सुनने के लिए हम इंतजार करते हैं। मुझे नहीं लगता है इन दोनों बयान को इस तरह से जोड़ के देखने की जरूरत है। ब्रजेश सौरभ जी से आखिरी कमेंट में लेना चाहती हूँ। सर, इतिहास को नए ढंग से गढ़ने की जो बात आप लोग कह रहे हैं, इसका कोई ब्लू प्रिंट भी है आपके पास, या फिर रैलियों में ऐसे ही भाषणबाजी होती रहेगी? क्या आपने प्रश्न एक बार फिर करिए? जो इतिहास को नए तरीके से गढ़ना चाह रहे हैं, कुछ बातें गलत लिखी हुई हैं आपके मुताबिक जो नहीं होनी चाहिए थी, या फिर जो सुधारी जानी चाहिए थी, उसको सुधारने के लिए कोई ब्लूप्रिंट है, कुछ स्ट्रेटजी है, या फिर बस बयानबाजी होती रहेगी? मैंने आपसे अभी कहा था, भारतीय संकलन, इतिहास संकलन विभाग इस पर काम कर रहा है, और उस इतिहास को जो हमारा अतीत में रहा है, जिसको छिपा करके, जिसको किनारे करके कुछ चीजें तथ्य दूसरे तरीके से प्रस्तुत किए गए थे। जी, इतिहास संकलन जो योजना काम कर रही है इस मसले पर, वह एक पूरी तरह से स्वतंत्र इकाई है, सरकार की इकाई नहीं है। आप सरकार की बात करिए कि सरकार क्या करने वाली है, बताइए, आपको पता है तो बताइए। सौरभ जी स्वतंत्र इकाइयों के माध्यम से ही पहले सारे इतिहास लिखे गए थे। अगर सरकार वाकई ऐसी पहल करती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है ब्रजेश जी, इतिहासकारों को उठा के देख लीजिए। ठीक है ब्रजेश जी, बात हमारे पास इतना ही है। ठीक है, बात हमारे पास इतना ही है। सरकार अगर ऐसी कोई पहल करती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन साथ ही ब्रजेश जी, सवाल ये भी है कि आखिर अगर ऐसी ही बात है तो संगीत सोम के बयान से किनारा करने की जरूरत आखिर बीजेपी को, उसके नेताओं को, बड़े नेताओं को क्यों महसूस होती है? आखिर क्यों ये कंफ्यूजन है, ये विरोधाभास है खुद सरकार के नेताओं में? बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए।